वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की गई है। पीड़ित परिवार के सदस्यों को इंसाफ दिलाए जाने की मांग दोहराई गई। पीड़ित परिवार के युवक का कहना था कि उसके भाई के क्षेत्र के ही दो अपराधी किस्म के युवाओं द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि मृतक की पत्नी जो हत्यारों से मिली हुई है द्वारा उन अपराधियों का नाम लगातार लिया जा रहा है। कानून की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के युवक द्वारा बताया गया कि उनका भाई ब्रिजघाट के लिए कांवड़ लेने निकला था, चार दिन तक घर वापस नहीं आया। परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मंझौला में दर्ज कराई गई। चार दिन के बाद पीड़ित के भाई का शव एक बाउंड्री वॉल में पड़ा मिला। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये घर से कह के गंगा जल लेने गए थे, वहाँ पर दो लोगों ने जो इनके साथ रहते थे। अच्छा, आप लोग का पता चला कि इनकी हत्या हुई है? हमें इनके अंतिम संस्कार के तीन दिन बाद पता चला इनकी वाइफ के जरिए। क्या क्या पता लगा वाइफ के? इनकी वाइफ ने कहा कि 1.5 लाख रुपए देकर मैंने बंटी और नकुल से इनकी हत्या करवा दी। अभी नहीं, उन्हीं ने अभी कुछ नहीं कहा, कह रहे थे हो जाएगा और हम थाने को रोज जाते हैं, एक महीना हो गया है कोई भी थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कहते आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन्हें सबको, तीनों को सख्त से सख्त सजाओ, बंटी और नकुल और सुनील। अच्छा, जैसे जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे होती है? कैसे बच्चे को देखने के लिए हम सब लोग हैं ना, मम्मी मैं और भी घर में सब लोग हैं, भैया हैं बड़े, जिन्होंने हत्या की उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वहीं जब मृतक की पत्नी से बात हुई तो मृतक की पत्नी द्वारा भी अपनी बात को बताते हुए कहा गया कि उसका पति नशे में मारपीट करता था, इसलिए उससे गलती हो गई। ऐसे तो ब्रिजघाट को कह के गए नहाने के लिए और बंटी ने अनुकूल ने वहां से कब्जा करा 8 पैसे। क्यों उन्होंने कब्जा करा? उन्होंने मुझसे जय हाँ कराई कि बता हमारा इससे झगड़ा हुआ जो हमारे द्वारा पीता खाता है, हम इसको वो करेंगे, तू हाँ कर जबरिया, तू हाँ कर। मुझसे बोला 1.5 लाख रुपए दे दिए तो मेरे मुंह से अंकल जी जेई लेकर गई का हाँ बस हाँ दे दूंगी मैं। हाँ पैसे, कुछ पैसे गए आपके पास से? ना, 1 रुपया नहीं गया अंकल जी। अच्छा, वो क्यों मारना चाहते थे? वो ही दारू पीने के खाने पीने के चक्कर में, तू मजबूर रहती है, तू वैसे भी तो मजदूरी करके खाती है। क्या मतलब उन लोगों का? मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे साथ इतनी रहमदिली क्यों कर रहे थे? मेरे अंदर कोई रहमगिरी कुछ नहीं, बस सिर्फ उन्हें दारू की वजह से। वो भी तो दारू पीते थे? हाँ वो भी पीते थे। तो फिर तुमसे हमदर्दी क्यों थी उन्हें? ऐसी कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ उसके उनके ही पीछे, मर मेरी बस इतनी हाँ की गलती हो गई जो मैंने हाँ कर दी। मैंने उससे लौट के ये नहीं कही कि तू ये काम कर दे, बस 5 मेरे बच्चे चाहे मेरे बच्चों की किस्म लिवा लो, कुछ भी सजा दे वालो। 40,000 का क्या मामला है? 40,000 का किसी ने बताई देखने वाले ने कि 40,000 रुपए बंटी ने किसी को दिवाए तो मेरा खाता था, फिर उसने खाली कराया जो 1 रुपया भी नहीं छोड़ा खाते में। किसने निकाले था? तुम्हारे खाते से कैसे निकाले थे वो पैसे? वो उनने उनसे ही करवाए, उनके खाते से किसी को दिवाए बताई है। अब तुम क्या चाहते? हाँ मैं तो ये चाहती हूँ बंटी को और नुकुल को इन्हें सजा देनी चाहिए और मैं भी तैयार हूँ, मैं रे हाँ करने की जिम्मेदार हूँ, मैंने इतनी बात कह दी तो मैं इस कारण मैं सजा भुगतने तैयार हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5। कैसे गुजारा करती हो उनका? मेहनत मजदूरी, किसी की मिल गई खेत में मेहनत मजदूरी चली गई, एक वैसे किसी का काम मिल गया तो करने चली गई, उनके सामने से भी कर रही और आप भी कर रही हूँ, करूंगी आप तो। मैं खुद ही खटिया से पति के चक्कर में खटिया से लगी पड़ी हूँ। अच्छा, तुम्हें याद आती है उनकी? नहीं आती? बहुत याद आती है, रात रात नींद नहीं आती मुझे। जब याद आती है तो ऐसा कदम क्यों उठाया, कैसे क्यों उठा लिया? बस कुछ मुझसे गलती हो गई सर, जो मुझसे मुंह से हाँ ली कर गई, बस बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझे। कुल मिलाकर न्याय की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगा रहा परिवार इस उम्मीद में है कि पुलिस उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और मुकदमा पंजीकृत होगा।